खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल उर्मिला मातोंडकर अपने चुनावी कैंपेन का घोड़ा जो है उसे दौड़ा रही है। अगली माननीय जिनके बात करने जा रहे हैं वो है डिंपल यादव। डिंपल यादव ने नामांकन की तारीख तय कर दी। इस तस्वीर के साथ ट्विटर पर डिंपल यादव ने ऐलान किया है कि वो 6 अप्रैल को कन्नौज से नामांकन दाखिल करेंगी। डिंपल यादव अभी कन्नौज से ही सांसद हैं। पहले खबर ये थी कि डिंपल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में उनकी मांग पर अखिलेश यादव ने उन्हें लड़ाने का फैसला किया। इस बात का खुलासा खुद अखिलेश एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कर चुके हैं। या वो चुनाव लड़ेंगी, ये फैसला डिंपल का था या आपका था? डिसाइड किसने किया, फैसला किसने लिया? डिंपल ने। वेरी नाइस। अगर डिंपल ने कहा कि लड़ना है तो मैंने कहा लड़िए आप चुनाव। कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती है। इस सीट से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी सांसद रहे हैं। साल 2012 के उपचुनाव में डिंपल निर्विरोध चुनी गई थी। 2014 के चुनाव में भी डिंपल ने मोदी लहर में इस सीट जीती थी। हालांकि डिंपल यादव अपना पहला चुनाव फिरोजाबाद उपचुनाव में राज बब्बर के हाथों हार गई थी। कन्नौज सीट पर डिंपल यादव का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है। फिलहाल डिंपल के नामांकन की तारीख सामने आने के बाद समर्थक काफी खुश हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक गायक रवि रांझा गीत के जरिए डिंपल को शुभकामना दे रहे हैं। नारियों की आस है, उनका भी सुवास है, अखिलेश जी के हर पल धड़कन के पास है। साइकिल है जिनकी पहचान, यूपी को जिन पे अभिमान। साइकिल है जिनकी पहचान, यूपी को जिन पे अभिमान। रोशन है